हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। सबसे पहले आज के दिन की ही बात करते हैं। आज बच्चे 23 अगस्त है और भारत में 30 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल स्पेस डे। याद रखिएगा, ठीक है। लास्ट ईयर ही आपका स्टार्ट हुआ है तो 23 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल स्पेस डे। क्यों मनाया जाता है, जो आज का दिन है क्यों स्पेशल है? क्योंकि अगर आपको याद हो बच्चे, ठीक है, पढ़ा तो हम सभी ने है लेकिन याद किसी किसी को होगा, क्या हुआ था 23 अगस्त को? 23 अगस्त को जो है आपका चंद्रयान 3 पहुंचा था चांद के दक्षिण ध्रुव पर। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखनी है। अगस्त 23 को जो है आपका चंद्रयान 3 दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा था और जिस जगह पे बच्चे वो पूछा था उस जगह का नाम आपको याद रखना है। इस जगह का नाम था आपका क्या था? शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, तो चांद पे जिस जगह पे चंद्रयान 3 का जो लैंडर था उसने अपना स्थान ग्रहण किया था, जिस जगह पे वो आपका सबसे पहले टच किया था उस जगह का नाम है शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, और चंद्रमा के साथ में जो हमने लैंडर भेजा था उसका नाम क्या था? उसका नाम था विक्रम। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये बच्चे वो आपकी डेट थी 23 अगस्त 2023 को जो है आपका ये वहाँ पर पहुँचा था और इसरो के द्वारा हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी में एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता जो है हासिल की गई थी। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा। बाकी अगर हम इसके स्टैटिक की बात करें बच्चे, तो स्टैटिक में आपको क्या क्या चीज़ याद रखनी है? आपको याद रखना है इसका पूरा टाइमलाइन। जो चंद्रयान 3 हमने भेजा था, ऐसा नहीं कि पहली बार भेजा था, चंद्रयान 1 भेजा, फिर आपका 2 भेजा, फिर आपका 3 भेजा गया, तो इसकी पूरी टाइमलाइन आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले बच्चे आपका 22 अक्टूबर 2008 था जब हमने चंद्रयान 1 जो है सबसे पहली बार भेजा था। ठीक है, यह आपका लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को और ये आपका मिशन कंप्लीट रहा था। ठीक है, उसके बाद में आपका दूसरा टाइमलाइन आता है 2019 का। 2019 में बचे आपका ये चंद्रयान 2 जो है आपका भेजा गया और चंद्रयान 2 जो है आपका ये लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, लेकिन इसकी जो स्टेटस रही थी ये आपका सफल नहीं रहा था, है ना। ये इसका जो लैंडर था वो सफलतापूर्वक स्मूथ लैंडिंग नहीं कर पाया था जिसके कारण चंद्रयान 2 जो है आपका वो विफल हो गया था। उसके बाद में आता है आपका 2023 14 जुलाई 2023 को जो है चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था और फिर जो है आपका ये 23 अगस्त 2023 को आपका पहुंच गया था सफलतापूर्वक अपनी जगह पे। ठीक है, तो ये आपका जो है बच्चे मिशन लॉन्च तो हो गया है, ये अपनी जगह पे पहुंच भी गया है। अब इसको जिस काम के लिए भेजा गया है उसमें जो है आपका ये काम अभी कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा टाइमलाइन आपको याद रखना है कि ये जो आपका टाइमलाइन है इसका चंद्रयान 2 का, चंद्रयान 1 का, चंद्रयान 3 का, ये तीनों ही आपको याद रखनी है। ठीक है, तीनों साल आपको याद रखना है, इसका पूरा हिस्टोरिक इवेंट आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है आपकी एक एग्रीमेंट है, एक समझौता किया गया है भारत सरकार की तरफ से। किसके साथ में किया गया है? भारत और जापान। भारत और जापान ने हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं बच्चे? क्यों किया है? क्योंकि भारत और जापान जो है आपस में मिलकर के ग्रीन अमोनिया निर्यात करने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जो भारत है वो ग्रीन अमोनिया निर्यात करेगा कहाँ से? जापान से। इसे याद रखिएगा। और ये जो समझौता किया है इसमें हमारे जो केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री हैं, इनका नाम है प्रहलाद जोशी, इनके द्वारा जो है समझौता साइन किया गया है। ठीक है, तो एग्रीमेंट याद रखिएगा भारत और जापान के बीच में हुआ है। किस चीज़ को लेकर के हुआ है? ये हुआ है आपका ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट। ठीक है, ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट के लेकर के समझौता हुआ है। अगला आता है कि ग्रीन अमोनिया होता क्या है। अमोनिया तो आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, जब हमने 11th 12th में केमिस्ट्री पढ़ी थी वहाँ पे अमोनिया आपने पढ़ा होगा। तो बच्चे अमोनिया जो है ये आपका तीन नाम इसके होते हैं। सबसे पहला आपका जो है ब्राउन अमोनिया होता है, फिर आपका ब्लू अमोनिया होता है, फिर आपका ग्रीन अमोनिया होता है। अब ये जो नाम इन्हें दिए गए हैं, क्या अमोनिया का रंग अलग अलग होता है इसलिए नाम दिए गए हैं? नहीं बच्चे, ये आपका जैसे हमने ग्रीन हाइड्रोजन पढ़ते हैं ना, ग्रीन हाइड्रोजन क्यों बोला जाता है? हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हाइड्रोजन को बनाते वक्त किसी भी प्रकार का कार्बन एमिशन नहीं होता है और हाइड्रोजन को बनाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो प्रोसेस जो है आपकी क्या होती है? प्योर होती है, ग्रीन होती है। इसीलिए वहां से बना हुआ हाइड्रोजन जो है ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है। उसी तरीके से सेम बचे अमोनिया के साथ में भी है। यहाँ पर देखिए तीन प्रोसेस है। सबसे पहली प्रोसेस में आप लोग देख रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, हवा का इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे जो है आपकी जो अमोनिया बनती है उसे ब्राउन अमोनिया कहते हैं। उसके बाद आप लोग देखेंगे
फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, एयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो आपकी कार्बन कार्बन है वो जो भी आपका कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उसे जो है कैप्चर कर लिया जा रहा है, रोक लिया जा रहा है। लेकिन कार्बन कितनी मात्रा में रोका जा सकता है, कार्बन उत्सर्जन उसमें फिर भी होता है, ठीक है। जब बहुत सारा कार्बन उत्सर्जन होता है पहली वाली प्रोसेस में, उसे ब्राउन अमोनिया कहते हैं। जब कार्बन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, कुछ हद तक कार्बन को कंट्रोल किया जाता है, तब जो है उसे ब्लू अमोनिया कहते हैं। और जब बचे कार्बन एमिशन बिल्कुल ज़ीरो होता है, क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब वो प्रोसेस जो है पूरी तरीके से क्या होती है, कार्बन फ्री होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रोसेस से जब अमोनिया बनती है उसे जो है आपका ग्रीन अमोनिया कहा जाता है। ग्रीन अमोनिया, अमोनिया को कहते हैं NH3, ठीक है, याद रखिएगा। तो बच्चे ग्रीन अमोनिया के निर्यात के लिए ये जापान और भारत के बीच में आपस में समझौता हुआ है। अब ये वाली जो न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये पहली बार हो रहा है, ठीक है, हमारी कंट्री में, तो याद रखिएगा इसे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा क्या किया गया है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। जैसे बच्चे आपके नेशनल अवार्ड्स होते हैं ना, नेशनल अवार्ड्स आपका जैसे ज्ञानपीठ का होता है साहित्य में, जैसे आपका नागरिक सम्मान होते हैं पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मभूषण होता है, भारत रत्न होता है, उसी तरीके से जो है आपका पहली बार 2024 में क्या हो रहा है, भारत में विज्ञान के लिए नेशनल अवार्ड दिए जा रहे हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में कुछ कैटेगरीज है जिसमें आपको याद रखना है बच्चे। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा पुरस्कार है विज्ञान के क्षेत्र में, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है आपका बच्चे सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार है, जिसका नाम है विज्ञान रत्न पुरस्कार, याद रखिएगा, ठीक है। सिर्फ एक व्यक्ति को दिया गया है विज्ञान रत्न पुरस्कार, किसे दिया गया है, ये दिया गया है गोविंद राजन पद्मनाभन, ठीक है, याद रखिएगा। अब इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं बच्चे, और इनका जो क्षेत्र है ये है प्रसिद्ध जैव रसायनज्ञ, ठीक है, बहुत फेमस जो है बायोकेमिस्ट हैं, और इनको जो है भारत का पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है 2024 में। नाम याद रखिएगा, गोविंद राजन पद्मनाभन, यहाँ पे जो बच्चे आपको साइंटिस्ट दिख रहे हैं ना, यही आपके मिस्टर गोविंद राजन पद्मनाभन, ठीक है। और भारत के आप लोगों ने बेंगलुरु का जो विज्ञान संस्थान है इसका नाम कई बार सुना होगा, IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का, इसके बच्चे आपके पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं, ठीक है, ठीके? तो बहुत फेमस बायोकेमिस्ट, और इन्हें जो है आपका भारत में विज्ञान का सबसे बड़ा पुरस्कार, जैसे आपका नागरिक में भारत रत्न पुरस्कार होता है सबसे बड़ा, उसी तरीके से जो आपका विज्ञान में विज्ञान रत्न पुरस्कार है सबसे बड़ा, ठीक है। और 2024 में पहली बार दिए गए, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है बच्चे, ठीक है, हमने ऑलरेडी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसे पढ़ा हुआ है। उसके बाद में जो अलग अलग कैटेगरीज है उसमें जो है बहुत सारे लोगों को दिया गया है, तो लोगों के नाम तो आपको नाम याद नहीं रखने हैं, लेकिन कितने लोगों को कौन से कैटेगरी में दिया गया है ये याद रखना है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति ने विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को 13 विज्ञानश्री, जैसे पद्मश्री होता है वैसे आपका विज्ञानश्री है, तो 13 लोगों को विज्ञानश्री दिए गए। और उसके अलावा जो युवा लोग हैं, जो यूथ साइंटिस्ट हैं, उनमें उन्हें दिया जाता है आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ठीक है। तो 18 विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। तो बच्चे इनमें नंबर्स याद रखिएगा, 13 लोगों को ज्ञानश्री और 18 लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, इसमें आपको नंबर्स याद रखना है। उसके बाद में एक और कैटेगरी बच्चे यहां पे पुरस्कारों की है, वो है आपका विज्ञान टीम पुरस्कार। विज्ञान टीम पुरस्कार, विज्ञान टीम पुरस्कार किसे दिया गया है, विज्ञान टीम पुरस्कार दिया गया है उस टीम को जिन्होंने कि चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए प्रयास किए थे, ठीक है। तो चंद्रयान 3 को बनाने वाले बच्चे जो टीम थी, इस पूरे मिशन में जो आपकी टीम जुटी हुई थी उस टीम को, यानी कि इसरो को, इसरो की इस टीम को जो है आपका सम्मानित किया गया है विज्ञान टीम पुरस्कार के लिए, ठीक है। और ये पूरा जो कार्यक्रम होता आपका चंद्रयान 3 का ना, ये जो पूरा प्रोग्राम था, पूरा जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के, इस परियोजना के जो निदेशक थे उनका नाम याद रखिएगा, PVIR MUTHUVEL इनका नाम था, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये पुरस्कार ग्रहण किया गया, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है कि विज्ञान टीम पुरस्कार जो है चंद्रयान 3 को सफल बनाने वाली टीम को दिया गया, इसरो को दिया गया, और इसके जो परियोजना निदेशक हैं, ठीक है, जो इसके जो है प्रोग्राम हेड हैं PVIR MUTHUVEL, इनके द्वारा जो है आपका ये सम्मान ग्रहण किया गया था। तो बच्चे ये पहली बार दिया जा रहा है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका विज्ञान रत्न पुरस्कार है। कि अब बाकी जो है आपके बच्चे यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, 13 लोग हैं, 18 लोग हैं, तो सबके नाम आप याद नहीं कर पाएंगे, सब नंबर्स याद रखिएगा, कितने लोगों को विज्ञान श्री मिला है, कितने लोगों को विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है।
अगला जो अगली जो न्यूज़ है बच्चे, ये रिलेटेड है NPCI से। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा एक घोषणा की गई है। इन्होंने क्या घोषणा की है, इन्होंने UPI यूज़र्स के लिए, ठीक है, जो UPI प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे जो है इन्होंने एक नई सर्विस स्टार्ट कर दी है। इस सर्विस का नाम है UPI सर्किल, ठीक है। क्या है इस सर्विस का नाम, UPI सर्किल है। अब ये जो नई सुविधा इन्होंने शुरू की है, लॉन्च की है, ये सुविधा है क्या, व्हाट इज़ UPI सर्किल, UPI सर्किल है क्या। देखिए बच्चे, UPI सर्किल क्या है, ये आपका UPI के ही एक फंक्शन के रूप में है, ठीक है। UPI के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलते हैं जिसमें कि आप क्या करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। आप गूगल पे, फोन पे, भीम पे, ये बहुत सारे जो है आपके क्या है, ऑनलाइन गेटवे हैं जिससे कि आप लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। तो बच्चे UPI के अंदर ही आपको क्या है, ऐसी सुविधा दी गई है कि जो प्राथमिक यूज़र है, प्राथमिक यूज़र यानी जिसके नाम पर अकाउंट है, ठीक है, तो जिसके नाम पर अकाउंट है वो आपका प्राथमिक यूज़र होगा। प्राथमिक यूज़र क्या कर सकता है बच्चे, प्राथमिक यूज़र के अलावा किसी अकाउंट को जो है कोई दूसरा यूज़र भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली किसके लिए है ये, आपका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकेगा जो एल्डरली पीपल होते हैं ना, एल्डरली पीपल मतलब कि जो आपके घर के बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। देखिए आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, और पेरेंट्स जो है आपके थोड़े से पुराने ज़माने के, थोड़े से बूढ़े हो चुके हैं, तो टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा नहीं समझते हैं। और सबसे ज़्यादा जो आपके फिशिंग के मामले होते हैं, सबसे ज़्यादा जो साइबर क्राइम्स होते हैं, ठीक है, फ्रॉड के मामले होते हैं, उसमें जो है सबसे पहले यही लोग फंसते हैं, क्योंकि एक तो टेक्नोलॉजी से इतना ज़्यादा जुड़ाव नहीं है, टेक्नोलॉजी के लिए इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है, दूसरा क्या है कि फ्रॉड आसानी से उनके साथ में हो जाता है, समझ में नहीं आती चीज़ें, अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। तो बच्चे ये जो है इन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन वो है सॉल्यूशन है कि आप क्या कर सकते हैं कि दूर रह करके भी अपने मम्मी पापा का जो ये UPI पूरा का पूरा जो UPI है, चाहे उनका जो है पर्सनल अकाउंट है, उसको जो है मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि उसे मैनेज करने के लिए आपको सेकेंडरी यूज़र बना दिया गया है, ठीक है। तो ये जो आपका UPI सर्कल है, UPI सर्कल यही करता है बच्चे कि एक अकाउंट को चलाने के लिए दो लोगों को अथॉरिटी देता है, ठीक है। तो प्राइमरी यूजर हो गया जिसका कि अकाउंट है, और सेकेंडरी यूजर जो कि उसको ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका ये किया गया है ऐसे साइबर क्राइम को कम करने के लिए, जो एल्डरली पीपल है उनके लिए। और दूसरा जो आपका कम्युनिटी आता है वो है आपका बच्चे, बच्चे भी बच्चे बच्चे जो होते हैं आपके, वो भी बहुत बार ऐसे तरीके के फ्रॉड में फंस जाते हैं आसानी से, ठीक है। तो उनके जो अपने पर्सनल उनके अकाउंट्स होते हैं उनको भी मैनेज करने के लिए जो है उनके मम्मी पापा को राइट्स देता है, ठीक है। तो ये जो है आपके ऐसे सुविधा है जो कि प्राथमिक जो उपयोग करता है उसे आंशिक या पूर्ण रूप से प्रतिनिधिमंडल के लिए अपने UPI ऐप पर विश्वसनीय माध्यमिक उपयोगकर्ता के साथ में एक सुरक्षित लिंक स्थापित कर सकता है, ठीक है। तो दो यूज़र हो जाएंगे अकाउंट के, एक प्राइमरी होगा, एक आपका सेकेंडरी होगा, ठीक है। और दोनों के बीच में जो है आपका लिंक दे देगा, और दोनों ही जो है उस अकाउंट को सेम तरीके से चला सकते हैं। तब क्या होता है कि फ्रॉड से जो है आप जो एल्डरली पीपल हैं इन्हें जो है बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला है बच्चे अमूल को, ये एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 में ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट आई है। इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं, सबसे पहले तो भारत के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस वजह से ये न्यूज़ आज यहाँ पे है वो है आपका अमूल। अमूल का जो दूध का ब्रांड है बच्चे, इसे 91 out of 100, देखिए 91 out of 100 जो है इसे BSI स्कोर मिला है, और इसे जो रेटिंग मिली है वो है आपका AAA+ रेटिंग के साथ में, और 91 BSI स्कोर के साथ में ये जो अमूल है ये दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड बनकर के सामने आया है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट के द्वारा जो है आपको ये बताया गया है। उसके अलावा ये जो रिपोर्ट है ना बच्चे, ये पूरी 400 पन्नों की जो है आपकी रिपोर्ट है। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता रही हूं। एक तो अमूल वाला याद रखिएगा, दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड जो है आपका ये बना है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। दूसरा है आपका नेस्ले, नेस्ले ने सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य ब्रांड का खिताब बरकरार रखा है तथा वह स्थिरता धारणा मूल्य में अग्रणी है, इसे याद रखिएगा बच्चे, ठीक है। नेस्ले जो है आपका सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ब्रांड, ये जो है आपका मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है, ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड जो है आपका आया है। स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड जो है आपका अमूल है, मोस्ट वैल्यूएबल फूड ब्रांड जो है आपका नेस्ले है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका कोका कोला, कोका कोला को क्या मिला है, कोका कोला जो है आपका इसने नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक के कैटेगरी में इसने टॉप किया है, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक की कैटेगरी में कोका कोला के द्वारा जो है टॉप किया गया है। उसके बाद में बच्चे आपका वैल्यू, वैल्यू क्या है, ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला डेयरी ब्रांड बन गया है, ठीक है। तो अभी तक नहीं जानते थे तो अब जान गए होंगे,
वैल्यू क्या है, एक मिल्क ब्रांड है जो कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला जो है दुनिया में, दुनिया का जो है डेयरी ब्रांड है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चे, इस तरीके से जो है आपका ये रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में जो है आपकी ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अमूल वाला हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद की जो आपकी छोटी छोटी खबरें हैं। अब आते हैं छोटी छोटी न्यूज़ पे, इस शॉर्ट न्यूज़ में आपके सबसे पहले है अपॉइंटमेंट, दोनों ही खैर अपॉइंटमेंट ही आज। पहली अपॉइंटमेंट है आपकी AAI यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI के हेड के रूप में, अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है M. Suresh को। नाम याद रखना, अथॉरिटी का नाम याद रखना, बस दो चीज़ें, ठीक है। AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया M. Suresh को जो है यहाँ पे अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद है आपका राजेश नंबियार, राजेश नंबियार को नियुक्त कर लिया गया है NESCOM के अध्यक्ष के रूप में, NESCOM के चेयरपर्सन के रूप में। अभी जो बच्चे NESCOM के चेयरपर्सन थे, हमने कुछ दिनों पहले ही पढ़ा था, इनका नाम था देवजानी घोष इनका नाम था, इनके द्वारा रिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो इन्होंने जो है रिजाइन दे दिया है, रिजाइन करने के बाद में इनका पद खाली हो गया था, तो अभी जो है आपका राजेश नंबियार को NESCOM का अध्यक्ष बना लिया गया है। अभी NESCOM जो है बहुत बार न्यूज़ में आता है, इसका पहले तो नाम याद रखिएगा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ठीक है। तो NESCOM क्या है, कोई सरकारी कंपनी है क्या, क्या करती क्या है NESCOM? देखिए बच्चे, NESCOM कुछ नहीं है, ये जो है आपका क्या है, एक संस्था है, एक संगठन है, ठीक है, एक संगठन है जिसमें कि जो कि हमारे देश में जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनी है, IT कंपनी है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उसका प्रतिनिधि करती है, ठीक है। तो इस सेक्टर में अगर गवर्नमेंट से कुछ भी करवाना हो तो NESCOM के द्वारा जो है आपका करवाया जाता है, ठीक है। तो NESCOM क्या है बच्चे, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, ये आपका एक एसोसिएशन है, किसका एसोसिएशन है, ये जो है आपका सॉफ्टवेयर और सर्विस कंपनीज का एसोसिएशन है, ठीक है। नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है, याद रखना, ये गैर सरकारी ट्रेड एसोसिएशन है, और ये जो है आपका एडवोकेसी यानी कि वकालत करता है, किसकी, ये वकालत करता है इंडियन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की, ठीक है। भारत में जो भी आपका ये टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है इसकी वकालत करता है। कब बना था, 1988 में जो है इसे बनाया गया था। तो सरकारी नहीं है, सबसे पहली बात तो NESCOM जो है आपका ये सरकारी नहीं है। भारत में टेक्निकल फील्ड में जितनी भी कंपनियां हैं उसके जो जो CEO हैं, उसके जो हेड हैं, उन सभी का जो है आपका ये संगठन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, एक ट्रेड एसोसिएशन है। अगली जो न्यूज़ है बच्चे, ये भी आज एक रिपोर्ट के आधार पे ही बताई गई है कि जुलाई के महीने में भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए रूसी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है, ठीक है। तो रसिया बच्चे जो तेल बेच रहा है उसमें जो है आपका पहले नंबर पर पहले चाइना था, अभी चाइना को पीछे छोड़ते हुए जो है हम पहले नंबर पे आ गए हैं, यानी कि चाइना में क्या हो गया है, चाइना में रसिया से तेल का आयात थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि भारत जो है चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में रसिया से तेल खरीदने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। उसके अलावा बच्चे, अगर हम अपनी ही बात करें तो हम जो है सबसे ज़्यादा तेल खरीदे इस वक्त रसिया से, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो है हमारे लिए इराक है, और इराक के बाद में जो है आपका कौन सा है, इराक के बाद आपका सऊदी अरेबिया है, आपका संयुक्त अरब अमीरात है, UAE है, सऊदी अरेबिया है, इराक है, ठीक है। तो अपना भी याद रखना कि पर्सनली हम जो है सबसे ज़्यादा तेल जो है रसिया से खरीदते हैं, दूसरे नंबर पे हमारे लिए इराक है, तीसरे नंबर पे हमारे लिए सऊदी अरेबिया है, और चौथे नंबर पे हमारे लिए है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। ये हो गई आपकी रिपोर्ट। उसके अलावा बच्चे, अगर हम दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो तेल उत्पादन अभी किया है 2023 में वो किया है USA ने, ठीक है, याद रखिएगा। ये रहा बच्चे आपका US, ठीक है, ये आपका मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से दिया हुआ है। तो USA जो है आपका 12.9 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से जो है आपका प्रोड्यूस कर रहा है ऑयल। दूसरे नंबर पे आपका कनाडा आ रहा है, दूसरे नंबर पे जो है आपका ये रसिया आ रहा है, तीसरे नंबर पे जो है आपका ये तीसरे नंबर पे आपका सऊदी अरेबिया है, इराक है, ईरान है ना, तो ये सारी की सारी कंट्रीज़ हैं। तो फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि USA जो है आपका 2023 के अनुसार तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अगली छोटी खबर है आपकी खेलो इंडिया अस्मिता योगासना लीग से। देखिए बच्चे, योगासन लीग, अब खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग है, आई होप आप लोगों ने पहली बार सुना होगा ये। देखिए, खेलो इंडिया के जो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होता है, खेलो इंडिया जो है आपका ये विंटर गेम होता है, खेलो इंडिया आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है, उसी तरीके से बच्चे खेलो इंडिया का एक और इवेंट है आपका जिसे कहा जा रहा है खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो अस्मिता योगासन लीग है ना, ये भारत के जो है अलग अलग क्षेत्र में किया जा रहा है। तो अभी जो आपका शुरू हुआ है भारत के पूर्वी क्षेत्र में, तो भारत में पूरी क्षेत्र की जो आपकी लीग है ये कहाँ पर शुरू हुई है, ये आपके बिहार में शुरू हुई है, याद रखने कहाँ पर शुरू हुई है, आपके बिहार में शुरू हुई है, ठीक है। तो खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग जो कि पूर्वी क्षेत्र की है, ये आपकी स्टार्ट हो चुकी है और ये आपके बिहार में शुरू हुई है।
अगली न्यूज़ बच्चे ये आज की आपकी है बुक्स एंड ऑथर, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। आप लोगों ने अगर कभी नाम सुना होगा कल्पना शंकर का, इनकी ऑटोबायोग्राफी है ये, ठीक है। कल्पना शंकर जो है बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं। अब देखिए किताब का नाम पहले हम पढ़ लेते हैं, द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन। द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन। तो ये जो किताब है वो किसकी आत्मकथा है, ये है कल्पना शंकर की। और इस किताब को लॉन्च किया गया है आपका स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष, जो वर्तमान में है विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक रह चुकी हैं, सोम्या स्वामीनाथन। तो सोम्या स्वामीनाथन के द्वारा इस किताब को प्रकाशित किया गया है, ठीक है। और ये किताब जो है बच्चे किसकी है, ये कल्पना शंकर की किताब है। कल्पना शंकर को जाना जाता है एक एनजीओ के लिए, आप लोगों ने अगर कभी नाम सुना हो, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आपका हैंड इन हैंड, ठीक है, हैंड इन हैंड नाम से क्या है, एक एनजीओ चलता है जिसकी ओनर है, जिसके संस्थापिका हैं कल्पना शंकर। तो इनकी किताब है ये द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर, याद रखिएगा, ये वुमन से रिलेटेड है, एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमन। अगली जो आपकी न्यूज़ है बच्चे ये रिलेटेड है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक से। अभी वर्तमान में एयरटेल पेमेंट बैंक के जो हेड हैं, जो सीईओ हैं, जो एमडी हैं, उनका नाम है अनुव्रत विश्वास, ठीक है। अब अनुव्रत विश्वास या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा ये घोषणा की गई है कि इन्होंने अपना एक नया प्रोडक्ट या फिर नया फीचर इन्होंने लॉन्च किया है। इस फीचर का नाम क्या है बच्चे, इसका नाम है फेस मैच। क्या नाम है, फेस मैच, ठीक है। तो फेस मैच क्या है, ये आपका एक एआई टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, और इसके द्वारा क्या किया जाएगा, फेशियल रिकॉग्निशन किया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहां से एक छोटा सा प्रश्न बन सकता है आपका कि जो फेस मैच नाम का जो टूल है, एआई टूल है, ये कौन सी कंपनी के द्वारा, कौन से टेलीकॉम कंपनी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो टेलीकॉम कंपनी में भारत में जो है एयरटेल का बड़ा नाम है, दूसरे नंबर पर रिलायंस के बाद में, ठीक है। एयरटेल है, रिलायंस है आपका, आइडिया वोडाफोन है ना, तो इनमें से जो है आपका एयरटेल का, याद रखिएगा कि एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा एक एआई टूल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है फेस लॉन्च। और ये क्या है बच्चे, एक फेशियल रिकॉग्निशन लॉन्च, फेशियल रिकॉग्निशन जो है आपका टूल है, एआई से चलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे जो है आज की खबरें आपके समाप्त हो रही हैं, ठीक है, समाप्त हो जाती हैं। और बुक्स एंड ऑथर बच्चे काफ़ी लंबे समय बाद हमने पढ़ा है, तो बहुत कम हम किताबें पढ़ रहे हैं, मतलब किताबें और उसके लेखक पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़ रहे हैं याद रखिएगा, ठीक है, किसी को भी भूलना नहीं है बच्चे। और पर्सनैलिटी के बारे में अगर मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, जैसे कि इनका एनजीओ का नाम है, तो वो भी याद रखिएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि उनकी किताब ही पूछी जाए, जिस वजह से आपका जो व्यक्ति है वो चर्चाओं में है उसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और हमारे दो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, एक आपका मेकेडिजी मैकेनिकल, एक आपका मेकेडिजी सिविल है। दोनों में, दोनों जो भी आप सिविल के बच्चे हैं तो सिविल वाले में, मैकेनिकल वाले बच्चे हैं तो मैकेनिकल वाले में विजिट करना ना भूलें। आपके बच्चे आरआरबी जेई के लिए हर प्रकार का सॉल्यूशन जो है वहाँ पर मौजूद है, तो एक बार विजिट करिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।